गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम केएल शर्मा टीचिंग यू सोशल साइंस। इन हिस्ट्री पोर्शन स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट नंबर 8। स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस अबाउट द ट्रीटी ऑफ वियना 1815। स्टूडेंट्स, हाउ हैड रिवोल्यूशनरीज स्प्रेड देयर आइडियाज इन मेनी यूरोपियन स्टेट्स आफ्टर 1815। 1815 के बाद कैसे रिवोल्यूशनरीज ने अपने आइडियाज स्प्रेड किए, हम लोग इसमें यही पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आफ्टर 1815 ड्यू टू फियर ऑफ रिप्रेशन मेनी रिवोल्यूशनरीज वेंट अंडरग्राउंड एंड बट दे एस्टैब्लिश मेनी सीक्रेट सोसाइटीज to train revolutionaries and spread their ideas। ये सही है स्टूडेंट्स कि कंजर्वेटिव्स लोगों के डर से बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज जो है अंडरग्राउंड हो गए, लेकिन किस लिए? अरेस्टिंग से बचने के लिए। लेकिन फिर भी उन्होंने एस्टैब्लिश्ड मेनी सीक्रेट सोसाइटीज, उन्होंने बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटीज को एस्टैब्लिश किया और रिवोल्यूशनरीज को ट्रेंड करने के लिए। एंड दे अपोज मोनार्कियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट वर एस्टैब्लिश आफ्टर द वियना कांग्रेस इन 1815। उन्होंने राजतंत्र की व्यवस्था का अपोज किया जो कि 1815 के बाद स्टैब्लिश किए गए थे। एंड स्टूडेंट्स, दे फॉट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम एंड थॉट द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ देयर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। आप जानते हो कि कंजर्वेटिव्स के बाद लिबरल नेशनलिज्म की फीलिंग्स आइडियाज फैले और लिबरल नेशनलिस्ट लोगों ने मोनार्कल सिस्टम का अपोज किया और फिर ये हुआ कि बॉबन किंग चार्ल्स टेंथ वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज थ्रोन by the liberal nationalists and Philip had been installed। Students, Bourbon King Charles X को हटा करके Louis Philip को बैठाया गया और इस तरीके से लिबरल नेशनलिस्ट पूरी तरीके से मोनार्कल सिस्टम या ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस का अपोज कर रहे थे। यूसुफ मेसन फाउंडेड सीक्रेट सोसाइटीज लाइक यंग इटली इन मार्सिस एंड यंग यूरोप इन बर्न फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ फ्रेगमेंटेड इटली। इटली के यूनिफिकेशन में बहुत बड़ा योगदान यूसुफ मेसनी का है। वी कांट इग्नोर द कंट्रीब्यूशन ऑफ यूसुफ मेसनी फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। एंड स्टूडेंट्स, मेसनी के कंट्रीब्यूशन को देखते हुए बहुत सारे कंट्रीज में सीक्रेट सोसाइटीज एस्टैब्लिश किए गए। फॉलोइंग मेसनीज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज वर सेट अप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड। एंड स्टूडेंट्स, लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म ब्रॉट रिवॉल्यूशन इन मेनी रीजन्स ऑफ यूरोप लाइक प्रोविंसेस ऑफ ओटोमन एम्पायर, आयरलैंड, पोलैंड बिसाइड्स इटली एंड जर्मनी। तो इटली और जर्मनी को छोड़ करके बहुत सारे यूरोप के रीजन्स में जैसे ओटोमन एम्पायर में, आयरलैंड, पोलैंड में,
जो है क्रांति पैदा हुई और उस क्रांति ने लिबरलिज्म और नेशनलिज्म की फीलिंग्स को बहुत बढ़ा दिया और इस तरीके से नेशनलिज्म इमर्ज हुआ। आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो स्टूडेंट्स। वी विल डिस्कस इट मोर अबाउट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।